फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे एक लोकल मेड इन्वर्टर को रिपेयर किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है, ये एक लोकल मेड इन्वर्टर है, यानी ये एक नॉन ब्रांड इन्वर्टर है। और देख सकते हैं इसमें ये लॉन्ग कार्ड जो किट पड़ी है, इसे हम लॉन्ग कार्ड बोलते हैं। और इसमें देखते हैं फॉल्ट क्या है। इसमें फॉल्ट जो हमें नजर आ रहा है वो सामने ही है। इसके आप देख सकते हैं ये मॉस्फेट इसके फटे हुए हैं, ये मॉस्फेट इसके दिक्कत कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसके मॉस्फेट ही चेंज करने होंगे, उसके बाद में बाकी जगह कोई फॉल्ट है तो नजर आएगा। वैसे अगर मॉस्फेट रिपेयर कर देंगे यानी चेंज कर देंगे मॉस्फेट, तो कोई और फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे किट खोलेंगे। किट खोलने के लिए हमें सारे पेच वगैरह इसके निकालना पड़ेंगे। उसके बाद में किट में डस्ट काफ़ी है, हमें इसकी सफाई करना पड़ेगी, उसके बाद इसे रिपेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा काफी हद तक साफ हो चुका है, काफी हद तक के लगभग किट बिल्कुल ही साफ हो गई है। इसमें गंदगी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग गंदगी पर ही काम करते हैं तो आयरन में काफी कार्बन आने की दिक्कत रहती है और फिर हाथ वगैरह भी गंदे होते हैं, जो अच्छा नहीं रहता है। अब ये गंदगी साफ हो गई तो आयरन पे भी कार्बन आने के चांस नहीं रहेंगे। अब हम इस किट को बाहर निकालेंगे। किट को बाहर निकालने के बाद इसमें मॉस्फेट चेंज करते हैं। ये देखिए, किट को हमने बाहर निकाल लिया, सारे जैक वगैरह इसके निकाल दिए हैं। अब हमें ये मॉस्फेट जो फटे हुए हैं ये मॉस्फेट हमें चेंज करने हैं। तो सबसे पहले मॉस्फेट्स को खोलते हैं, उसके बाद इन्हें चेंज करेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसमें किट में मॉस्फेट और रेजिस्टेंस वगैरह लगा दी हैं। अब इसमें हमें केवल सोल्डरिंग करना बाकी है। रेजिस्टेंस और मॉस्फेट सब लग चुके हैं, अब इस पर हम सोल्डरिंग कर देंगे।
ये देखिए हमने इन्वर्टर में किट फिट कर दी है। इसमें केवल हीटसिंक के जो वायर ट्रांसफार्मर के लगते हैं हीटसिंक पर वो नहीं लगाएं, बाकी सारे जैक वगैरह लगा दिए हैं। अब हम पहले मॉस्फेट चैनल पर ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव चेक करने के बाद हीटसिंक उस पर लगाएंगे। मॉस्फेट ड्राइव चेक करने के लिए सबसे पहले हम इन्वर्टर के जो वायर हैं डीसी वायर वो बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए बैटरी से कनेक्ट करके हमने बैटरी को ऑन कर दिया है। अब नेगेटिव वाला वायर हम बैटरी के नेगेटिव पर लगाएंगे मल्टीमीटर का, और पॉजिटिव पर हम ड्राइव चेक करेंगे। ये देखिए मॉस्फेट ड्राइव इस चैनल पर सही आ रही है। अब दूसरे चैनल पर जो हमने मॉस्फेट चेंज किए हैं वहाँ पर भी ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव देखिए इस चैनल पर बिल्कुल सही आ रही है, यानी कि ये मॉस्फेट हमारे सही हैं और किट हमारा सही से काम कर रही है। सभी मॉस्फेट ड्राइव पूरी आ रही है। अब हम इन्वर्टर को बैटरी से एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके इस पर हीटसिंक पर ट्रांसफार्मर के वायर कसेंगे। बहुत अच्छे से टाइट करेंगे, इसमें किसी प्रकार की लूजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो हमारे मॉस्फेट दोबारा से उड़ जाएंगे। इसे बहुत अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब टाइम है फाइनल टेस्टिंग का। फाइनल टेस्टिंग करने के लिए हम इस पर आउटपुट पर एक वोल्टमीटर लगाएंगे ताकि इसकी आउटपुट चेक कर सकें। इन्वर्टर आउटपुट बिल्कुल ठीक निकाल रहा है। अब इसे मेन देकर चार्जिंग चेक करते हैं, इसकी चार्जिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये देखिए हमने इसे मेन दे दी। अब ये चार्जिंग इसकी चेक करते हैं। ये देखिए इन्वर्टर चार्जिंग को स्टार्ट कर दी, यानी इन्वर्टर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।